मनुष्य प्रतिभा जीवितम किछो सतम स्वर्णम किछ मनुष्य जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन जीना भी अत्यंत कठिन है और सब धम्म श्रवण करने के लिए मिलना भी बहुत कठिन है, और उससे भी ज्यादा बुद्ध का उत्पन्न होना महाकठिन है। ऐसे बुद्ध के धम्म का मैं अनुसरण करके परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे गुरु और हमारे कल्याण मित्र बनते उनके संरक्षित इनके विचारों को और आदर्शों को प्रणाम करती हूँ। उसी तरह बोधि प्रकाश जी, मंजू आदि, विमल सिद्धि जी, नागरत्न जी, प्रज्ञा रश्मि जी और बोधि प्रकाश जी, इन सभी टीम को और सभी धम्म मित्र और सहायक को प्यार भरा जय भीम करती हूँ और कोशिश करती हूँ लगातार तीसरी बार मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ, तो मुझे खुशी होती है। और मैं बोधि प्रकाश जी और उनकी टीम का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैंने खुद का प्रवचन सुना था तो अच्छा लगा। मैं अच्छी थोड़ी बहुत हिंदी बोलने का मैं सीख सकती हूँ ऐसे मुझे लगा, तो आपने ये सुवर्ण अवसर मुझे दिया है हिंदी भाषा सुधारने के लिए, बोलने के लिए, तो सही में आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि क्या हम लोग लगातार बोधि प्रकाश जी की टीम है, प्रज्ञा रश्मि जी है, नागरत्न जी है, बार बार हमें आनापान सति ध्यान करवाते हैं, बार बार मैत्री भावने का सराव हम लोग से कराया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और प्रज्ञा रश्मि जी बुद्धानुस्मृति लेते हैं, तो ये सब बार बार मन में ऐसे सवाल उठता है कि ये सब क्या चालू है। भगवान बुद्ध ने तो बताया है, बुक में पढ़ा है, लेकिन फिर भी बार बार ये टीम हमको मैत्री भावना, आनापान सति, क्यों क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं बार बार, और इसकी क्या जरूरत है, ऐसे कभी मन में प्रश्न हमारे उठे होंगे और उठती भी है। क्योंकि हम लोगों को सभी को मालूम है कि हम लोग जो ये धम्म सुन रहे हैं वह धम्म जो है वो सनातन धम्म है, और ये धम्म अनेक युगों से चला आ रहा है, और ये धम्म जो है वो सत्य धम्म है, और सदा सर्वकाल हमें इस धम्म की जो डोरी है, मराठी में जैसे बोलते हैं धम्म की जो कास है, उसे पकड़कर हमें इस धम्म का हम लोग आचरण कर रहे हैं और इस धम्म को हम धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हम लोग ये धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हम लोग बार बार सोचते हैं, और हमें मालूम भी है कि जीवन में हमें जो अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए हम सब लोगों को जो शरायतन है उसके माध्यम से हम सभी लोग जीवन जी रहे हैं, और ये जो शरायतन के माध्यम से ही हमें हम सब मनुष्य को सुख का हम सभी लोग सुख का अनुभव ले रहे हैं, दुख का अनुभव ले रहे हैं, और इस शरायतन के माध्यम से ही हम सभी मानव धम्म को जान रहे हैं और धम्म को जान भी सकते हैं, और इस माध्यम से हमारा स्वभाव क्या है उसको भी हम लोग जान रहे हैं बार बार सराव के माध्यम से। जैसे ये जो शरायतन है आप सभी को मालूम है वो क्या चीज है, जैसे हम आंखों से देखने का काम करते हैं और कान से हम लोग सुनने का, कान का जो धर्म है वो सुनना है, जीवा का जो धर्म है वो चखना है, नाक का जो धर्म है उसे सूंघने का काम वो करता है, और शरीर का जो धर्म है वो स्पर्श करना है, और मन का धर्म जो है वो क्या है। तो ये जो आँख है, कान है, नाक है, जीवा है,
और हमारा ये जो शरीर है, ये सारी सारी चीजें सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं और देख भी रहे हैं और उसका स्पर्श हम लोग ले रहे हैं। कुछ बातें अच्छी है, कुछ बातें अच्छी भी नहीं है। तो इन सब का काम जो है, हमारा जो मन का धर्म है, जो इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली जो संवेदना है, तो इन्हीं सारी इंद्रियों के माध्यम से होने वाली संवेदना की वजह से हम ये सारी बातें जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सनातन धर्म को हमें अगर आचरण में अगर सही ढंग से लाना है तो एक ही मार्ग है, और वो मार्ग जो है वो है मार्ग मैत्री का मार्ग। तो क्या हमारे मन में जो वैरत्व की भावना है वो चढ़ायतन के माध्यम से हमारे मन में वो होती है, और इसी माध्यम से मानव अच्छा भी काम कर रहा है और बुरा भी काम कर रहा है। और मुझे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, या मुझे कोई वस्तु अच्छी नहीं लग रही है, तो ये आप कैसे देख सकते हैं? तो मेरे चेहरे के ऊपर जो हाव भाव आते हैं बार बार, उस हाव भाव को जानने के माध्यम से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। और इसी छह इंद्रियों के माध्यम से जो मनुष्य है वो अपने द्वेष को प्रकट करता है, अपने सुख को प्रकट करता है, अपने आनंद को प्रकट करता है, हमारे खुशियों को प्रकट करता है, और हमारे मन में जो नैराश्य है उसको भी प्रकट करता है। और इसलिए हमारे मन में जो मैत्री का भाव है वो होना बहुत जरूरी है। और यह मैत्री भाव होने के कारण ही हमारे मन में जो वैर भाव है, वो वैर भाव जो हमारे मन में घर करके बैठा है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये वैर भाव ऐसी चीज है ना, तो जन्म जन्म तक वो हमारे मन में मन को छोड़ता नहीं है। जैसे आप सभी को मालूम है, एक राजा अगर लड़ाई करते करते मर भी जाता है या तो हार जाता है, तो उसका जो बच्चा है या तो उसका लड़का है, तो वो अपने जो राज्य हमारे से निकल गया है, उस राज्य पर आक्रमण करके अपने पास वो राज्य लेता है। और जो वैरभाव की वजह से जो राज्य नष्ट हुए हैं, तो अनेक प्रांत उससे नष्ट होते हैं, अनेक घर उस वैरभाव से नष्ट हुए हैं। तो ये जो वैरत्व की जो भावना है हमारे दिल में है, वो बहुत अंत तक हमारे घर में उसने उस भावना ने हमारे घर अंत तक हमारे मन में घर किया हुआ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, और आपको भी मालूम है कि भगवान ने जो बातें कही है वो कुछ हमारे भाइयों ने बहुत अच्छी तरह गीतों में के माध्यम से हमें समझने के लिए उन्होंने कहा। ये जो गीत है वो मराठी में, और मुझे मालूम है कि आप उसका अर्थ है समझ सकते हो। तो भगवान बुद्ध उनकी वाणी के माध्यम से कहते हैं कि रुसने पोटी दुख निर्मिते, तुसने पोटी दुख निर्मिते, जसे बेजा तुना अंकुर ये दुख भी जते नष्ट कराया, दुख भी जते नष्ट कराया, हस्तशील तो साधन्या या जन्मी निर्वाण। ये जो मन में तृष्णा का जो भाव है उसकी वजह से ये सारी बातें हमारे घर में हमारे दिल में एक कोने में जाकर बैठी है। तो इसीलिए हमें इस भावना को दूर करने के लिए
ज्यादा से ज्यादा मैत्री भावने का सराव करने की जरूरत है। उसके बारे में भगवान बुद्ध श्रावस्ती में एक जो यक्षिणी है उसको भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं वेरेना समन्ति धं कुदञ्चन अभेरेण सम्मन्ति सनन्तनम्। भगवान बुद्ध कहते हैं उस यक्षिणी को बैर से बैर मिटता नहीं और मैत्री से ही बैर मिटता है और यही सत्य धर्म है। और भगवान बुद्ध उसकी गाथा बताते हैं। एक जो आदमी था तो उस आदमी को लगता था कि मैं शादी नहीं करूं। उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत बहुत बार समझाया, बेटा शादी करने आपको जरूरी है, तो शादी आपको करनी पड़ेगी, तो हमारे हमारा जो घर है वो जैसे वारसदार बोलते हैं ना मराठी में, वो कैसे चलेगा हमारा, अगर तू शादी नहीं करेगा तुझे बच्चे नहीं होंगे। तो इस माध्यम से उसके मम्मी पापा उसको कहते हैं कि आपको शादी करनी जरूरी है। तो उसके मम्मी पापा मैं पूरी स्टोरी शॉर्ट शॉर्ट बताती हूँ क्योंकि टाइम की वजह से। तो वो आदमी शादी करने के लिए तैयार नहीं रहता, फिर भी उसके मम्मी पापा की वजह से वो शादी करता है। और बहुत दिन होने के बाद शादी करने के बाद उसको बच्चा होता नहीं, तो सभी लोग बोलते हैं और हमारे सभी को मालूम है अगर शादी हो गई, एक साल हो गया, दो साल हो गया, अरे इसको बच्चा नहीं हुआ, सभी जगह औरतें पूछती है, भाई लोग पूछते हैं। तो वो उसको सभी लोग कहते हैं, उसके मम्मी पापा कहते हैं कि क्यों नहीं तू दूसरी शादी करता, तो वो बोलता है कि मैं नहीं करूंगा दूसरी शादी। तो उस औरत को लगता है अपने पति की क्यों नहीं मैं दूसरी शादी कर दूं। फिर वो सोचती है अगर मैंने उससे शादी कर दी तो ये मेरे को मेरा मान सम्मान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसको लगता है अगर उसको अगर बच्चे नहीं हुए तो उसके घर वाले मुझे हकल देंगे, तो इससे अच्छा है मैं अपने पति की दूसरी शादी कर दूँ। और वो अपने पति की दूसरी शादी करा देती है। तो दूसरी शादी होने के बाद वो अपनी जो सौतन है उसके साथ बहुत अच्छे से रहती है और उसको बोलती है कि देखो बहन अभी तुम मेरी बहन हो, अगर हम लोग मिलजुल के रहेंगे तो हमारा घर परिवार अच्छी तरह हम लोग चला सकते हैं। और उसको ये भी बताती है अगर तुम्हें अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, गर्भवती हो जाओगी, तो बहन तभी मुझे बता देना ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी अच्छी तरह क्या बोलते हैं उसको, काजी हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं अच्छी तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो जो दूसरी उसकी सौतन लाती है तो उसको वो गर्भवती हो जाती है और वो अपनी वो जो बड़ी वाली दीदी को बता देती है कि दीदी मुझे मैं गर्भवती हो गई हूँ। तो उसको बुरा लगता है, अरे अगर इसको बच्चा भी हो गया तो मेरा आदमी उसका ही लाड़ प्यार करेगा, घर वाले सभी उसको ही प्यार करेंगे। इसलिए वो क्या करती है धीरे धीरे वो जो खाना खाती है वो जो दूध पिलाती है तो बोलती है मैं तुम्हारी तुम्हारा ख्याल रखूंगी और उस दूध में उसको बार बार विष डाल के देती है। तो ऐसा विष डाल के देती है कि वो खाने से उसको पीने से उसका जो बच्चा है वो मर जाए। ऐसा वो एक बार करती है, फिर दूसरी बार करती है और ऐसे दो बार होने के बाद उसके बच्चे मर जाते हैं। तो फिर तीसरी बार जब वो उसको पेट से रहती है तो आजू बाजू की औरतें बोलती है कि दो बार तेरा ऐसा हो गया, क्या तू किसी को बताती है क्या? तो बोली भाई मैं तो किसी को नहीं बताती हूँ, मैं अपनी दीदी को ही बताती हूँ। तो बोली अच्छा। तो बाजू वाली औरत बोलती है देखो अपनी दीदी को बताना नहीं, शायद आपको बच्चे होने के कारण उसका जो प्रेम है या तो उसका जो अस्तित्व है वो कम हो जाएगा, इसलिए शायद वो आपके बच्चे नहीं होने दे रही है। तो ये ऐसे ही करती है कि बताती ही नहीं तीसरी बार। फिर भी ये जो उसकी बड़ी वाली बहन है स्वतन है उसको लगता है ये मुझे बता नहीं रही और उसको कुछ दिन के बाद मालूम हो जाता है। तो फिर वही कोशिश करती है और ऐसे बार बार खाने में डालकर उसको विष देती है। और कुछ दिनों के बाद वो जो महिला है उसकी छोटी बहन जो स्वतन करके लाई थी
वो भी मरती है और बच्चा भी पेट में मर जाता है। तो मरने के टाइम वो बोलती है, देखो बहन तुमने जो ये काम किया है वो अच्छा नहीं किया है, तो मैं तुम्हें कभी भी सुख से नहीं जीने दूंगी, और ऐसा कह के वो मर जाती है। तो ये कहानी है, उस तरह से लीजिए। फिर कुछ दिन के बाद ये भी उतनी बड़ी वाली है वो भी मर जाती है। तो ये जो जिसको बच्चा होता है तो वो बिल्ली के रूप में जन्म लेती है, और दूसरी जो है वो क्या बोलते हैं मुर्गी के रूप में जन्म लेती है। ये बड़ी वाली है जो मुर्गी सॉरी बिल्ली बन जाती है, और जो छोटी वाली है वो मुर्गी बन जाती है। तो ये जो बड़ी वाली है क्या बोलते हैं उसको बिल्ली बन जाती है, तो वो जो उसके मन में जो रहा है ना इसके इसको बच्चे नहीं होने देने हैं, तो वो बार बार वो जो मुर्गी है उसका एक एक बच्चा खा लेती है, एक एक बच्चा खा लेती है, और बाद में मुर्गी को खाने को जाती है, तब मुर्गी को भी ये पता चलता है कि ये जो कर रही है गलत काम कर रही है। और मुर्गी भी मरने के वक्त बोलती है, बहन तुम जो कुछ भी कर रही हो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और मुर्गी मर जाती है। फिर अगली बार मुर्गी जो है वो हिरण का रूप धारण करती है, और जो मतलब दोनों में से एक जन हिरण का रूप धारण कर लेती है, और ये अगले जन्म में और एक चीता का रूप धारण कर लेती है। और फिर वो जो हिरण है वो उनका भी जीवन बहुत अच्छी तरह चलता है, लेकिन जब हिरण को बच्चे होते हैं तो जो ये चीता है वो क्या करते हैं, वो भी हिरण के होने वाले बच्चों को खाती है, और जो पेट में बच्चे हैं वो मर जाने के बाद मतलब उसको बच्चे नहीं होने देती है। तो फिर हिरण संकल्प करती है कि बार बार तुम मेरे साथ ये जो कर रही हो ये बातें अच्छी नहीं है, तो वो मन में संकल्प करती है कभी ना कभी तो मैं तुम्हें इसका हिसाब तो चुकाऊंगी। और फिर ये जो चीता है वो हिरण को भी खा जाता है, और हिरण को खाने के वक्त वो हिरण मरने से पहले बोलती है कि मैंने भी मन में संकल्प किया है मैं भी तुम्हें सुख से नहीं जीने दूंगी। और फिर कुछ दिन के बाद वो एक महिला अच्छी घर में जन्म लेती है, और एक यक्षिणी बन जाती है, और वो जो यक्षिणी बन जाती है और जो अच्छी महिला है अच्छे कुल की महिला है वो अपने पति के साथ में नदी किनारे में अपने घर में रह रही थी अच्छे से। लेकिन एक दिन एक यक्षिणी आती है, और वो यक्षिणी उसको जो जन्म दिया वो अच्छी औरत ने जो जन्म दिया था बच्चे को उसको खाने की उसको पकड़ने की उसको मारने की कोशिश करती है। तब वो जो महिला है अच्छे कुल की वो भागते भागते भगवान बुद्ध के साथ सामने जाके खड़ी हो जाती है, और भगवान बुद्ध को कहती है, देखो भगवान ये जो यक्षिणी है ये बार बार मेरे घर में आके मेरे बच्चों को मारने की कोशिश करती है। तब भगवान बुद्ध उस यक्षिणी को पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों ऐसा करती हो? तो भगवान बुद्ध को कहती है, ये औरत मुझे बच्चा नहीं लेने देती है, तो मुझे बच्चे को लेना है। तो भगवान बुद्ध उस अच्छी औरत को बोलते हैं, आप उसको बच्चे को हाथ में दे दो। और फिर वो जब वो यक्षिणी उस बच्चे को हाथ में लेती है तो उसके मन में ममता उभड़ आती है, उसके मन में प्यार उमड़ आता है, उसका जो मातृत्व का जो भाव है ममता का जो भाव है उसके मन में उभर आता है। उस बच्चे को लाड़ प्यार करती है, बहुत प्यार से उसको चूमती है, और जो अच्छी जो माँ है अच्छी कुल की जो महिला है उसके हाथ में उसको बच्चे को दे देती है, और वो हमेशा के लिए चली जाती है। तो ये जो मैंने स्टोरी बताई है ना, सेम हमारे मन में भी ऐसा ही होता है। हमारे भी मन में बार 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 किसी के लिए किसी की वजह से या तो किसी के बारे में मन में वैर का भाव रहता ही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें मरने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारे मन में जिसके भी बारे में क्रोध है, जिसके बारे में वैरत्व की भावना है, क्रोध की भावना है, द्वेष की भावना है, मरने से पहले उस भावना को अगर हम मिटा देंगे तो हम बहुत अच्छी तरह हमारा जीवन व्यापन बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जो हम लोग जो दान पुण्य हम लोग कर रहे हैं वो दान
जी किसी ने हाथ ऊपर किया है? श्रेया दम ने, वो गलती से हो सकता है, आप जारी रखें। लायक कर रहे हैं, लायक लायक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं जी, जी। आप तो, जारी रखें जी जी जी। तो हमें भी हम लोग जो दान करते हैं ना, तो कहते हैं जो कुछ भी हम लोग पैसे के रूप में हम लोग दान करते हैं, धर्मदान देते हैं, ये जो दान की भावना हमारे मन में उठती है उससे भी ज्यादा हमारे पलक झपकने के पहले मन में ऐसा कुछ भाव आया, वैरत्व का जो भाव आया उसको छोड़ के हमारे मन में अगर मैत्री का भाव अगर आया तो जो दान हम लोग करते हैं उससे भी ज्यादा हम लोग पुण्य कमा सकते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो हमें हमारे मृत्यु के पहले जो कुछ भी बहन भाई है हमारे, कोई जैसे खेती की वजह से कुछ अनबन हो जाती है, किसी को पैसा दिया है उधार, वो पैसा देने के बाद में कुछ अनबन हो जाती है, नहीं दिया उसने पैसा, गाली गलौज हो जाती है, मन में मन मिटाव आ जाता है, तो भगवान कहते हैं मरने से पहले हमें ये सभी मन मिटाव को दूर करना है। हमारे मन में किसी के बारे में भी कुछ ईर्ष्या हो, कुछ अहंकार हो, कुछ द्वेष हो, कुछ क्रोध हो, उसको मिटा देना चाहिए भगवान कहते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, पाप देशना करनी चाहिए, और पाप देशना करने के बाद हमारे मन में पुण्यानुमोदन का भाव भी बार बार आना चाहिए, और इस पुण्यानुमोदन के भाव से हमारे जीवन को हम बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जा सकते हैं। और उसके लिए हमारे मन में मैत्री का भाव होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे मन में ये मैत्री का भाव सातत्य से रहेगा तो हमारे मन में लोभ और द्वेष और ये वैरत्व की भावना है, जो वैर की भावना है, हमारे मन से निकल जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली की जो टीम है बार बार हमें सिखा रही है कि आनापान सति ध्यान करो, आनापान सति की ध्यान की वजह से भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति मिली है, उन्होंने कुछ खोजा है, अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से सहलाया है, जो मैत्री भावना है उस मैत्री भावना के कारण हमारे मन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से सुंदर कर सकते हैं, हमारा चेहरा सुंदर दिख सकता है, और हमारे मैत्री भावना की वजह से हमारा जीवन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जा सकते हैं। और उसी तरह बुद्धानुस्मृति के साथ हमारे अंदर जो बुद्ध के गुण है उस गुण को हमारे अंदर देखने की हम कोशिश करेंगे। इन सभी के लिए हमें मैत्री भावना की बहुत बहुत ही जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है सही में ये मैत्री भावना क्या चीज है, मैं जब ये मैत्री भावना खुद के प्रति करती हूँ क्या सही में मैं खुश हूँ क्या, क्या मेरा आरोग्य अच्छा है क्या, क्या मैं जो कुछ कर रही हूँ ये सारी बातें सच है क्या या अच्छी है क्या। और जब मैं मेरे जो परम मित्र है उसके बारे में कुछ वाक्य बोलती हूँ, वो सुखी हो, उनका कल्याण हो, वो दुख मुक्त हो, वो रोग मुक्त हो, ये जब मैं कहती हूँ तो मेरे मन में क्या ख्याल आता है, सचमुच में इस बात को, इस वाक्य को मैं मन से कहती हूँ क्या। फिर यही काम का आगे जाते जाते जो मुझे मेरी जो दोस्त है, मतलब मेरी जो क्या मराठी में बोलते अनोखी व्यक्ति, जैसे हमको बाजार में मिलती है कभी कभार, दिखती है बाजार में आते जाते, ऐसी कोई मेरी दोस्त है तो क्या उसके लिए भी मैं जब कहती हूँ वो सुखी हो, उसका कल्याण हो, तो सही में कभी मैंने रुक कर ऐसी जो व्यक्ति को मैं आते जाते वो देखती हूँ उसके साथ में कभी मैंने बात की है क्या, बहन मैं तुम्हें ध्यान में लेती हूँ और तुम सुखी हो ऐसा कहती हूँ, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल आता है कि एक बार तो मैं आपको पूछूं कि सचमुच बहन आप सुखी हो क्या, और जिससे मेरे मन मिटाव है, कुछ कुछ जो मेरे प्रश्न है उसको अच्छे नहीं लगते, या मेरी कही बातें उसको अच्छी नहीं लगती, ऐसी जो मेरी सहेली है क्या उसके बारे में जब मैं ये वाक्य बोलती हूँ, मैत्री भावना करती हूँ, तो वो करते वक्त क्या मेरे मन में कुछ अच्छे ख्याल उसके बारे में आते हैं क्या, क्या उसने कही हुई सारी बातें मुझे याद आती है और मेरा
मैत्री भावना का ध्यान अच्छी तरह होता नहीं, ना ही मैं खुद पे मैत्री करती हूँ, ना मैं घरों पे मैत्री करती हूँ, ना मेरे फ्रेंड के पास मैत्री करती हूँ अच्छी तरह, तो ये मेरे से अच्छी तरह नहीं हो रहा है क्या? तो इसको भी मैं बहुत मैत्री भावना के सराव से अच्छी तरह उसको देख सकती हूँ। और ये जो मैत्री का जो दिया है सभी के दिल में एक सरीखा जलता रहे, इसलिए क्या मैं ये सद्भावना व्यक्त करती हूँ, तो इस मैत्री के दिए को बार बार हमारे दिल में जलाने के लिए उत्साहित करने के लिए हम लोग सभी लोग प्रयत्न करेंगे। और इसके लिए भी हम हमारी तैयारी करेंगे, और जाते जाते ये मैत्री का भाव हमारे साथ में मन में रखने के लिए आपके लिए कुछ दो वाक्य कहती हूँ। कवि कहता है, छाया है चहुँ अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, छाया है चहुँ अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए, धरती को धरती को सज बनाके चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस मैत्री को साथ लेके हम मैत्री भावना का सराव करेंगे।